जैन फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में जानेंगे व्हाट इज ग्रीन एमोनिया। तो देखिए ग्रीन एमोनिया है क्या, आज वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए न्यूज में कैसा, देखिए जो रिसेंटली वीओ चिंदावन पोर्ट अथॉरिटी तमिलनाडु जो है सक्सेसफुली हैंडल 3x20 आईएसओ ग्रीन एमोनिया कंटेनर, जिसका वेट लगभग 37.4 टन है ऑफ ग्रीन एमोनिया। तो हम कहां से लाए थे याद रखना आपको, पोर्ट इजिप्ट। देखिए व्हाट इज अ ग्रीन एमोनिया। देखिए एमोनिया इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑफ नाइट्रोजन का एंड हाइड्रोजन विद ए फॉर्मूला ऑफ NH3। देखिए एमोनिया इज ए पोटेंट गैस है दैट वाइडली यूज ऑफ मेक एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर। तो एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर यूज होता है जो तो आप देखते हैं, तो ये इजी बनता है। देखिए ग्रीन एमोनिया प्रोडक्शन इज वेयर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एमोनिया इज 100% रिन्यूएबल है एंड कार्बन फ्री भी, इसके लिए देखिए इसका इंपोर्टेंस बढ़ जाता है। देखिए इसका प्रोसेस क्या क्या है, देखिए जो ग्रीन एमोनिया है इज द मोस्ट कॉमनली मेड फॉर मिथेन वाटर यार यूजिंग द स्टीम मिथेन रिफॉर्मिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SMR भी कहते हैं, टू प्रोड्यूस द हाइड्रोजन एंड द हार्बियर पर्सन। देखिए जो ग्रीन एमोनिया है ये इन्वॉल्व करता है स्लैगिंग एमिशन फ्रॉम एमोनिया प्रोडक्शन बाय टेकिंग नेचुरल गैस आउट ऑफ द इक्वेशन इंस्टेड ऑफ मेकिंग हाइड्रोजन बाय द क्रिएटिंग वाटर विद इलेक्ट्रिसिटी सोर्स फ्रॉम रिन्यूएबल। देखिए इसका सोर्स कहां से, रिन्यूएबल सोर्स है। देखिए अभी डायग्राम में आप देख भी सकते हैं, देखिए प्रोडक्शन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट एंड एंड यूज कैसे होता है। देखिए आप थोड़ा इसको पूछ सकते हैं, आप देख लीजिएगा ये। चलिए तो अभी हम कंपैरिजन कर लेते हैं ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एमोनिया से रिलेटेड। देखिए प्योर हाइड्रोजन जो है H2O है वाज वंस टॉर्च एज ए फ्यूल ऑफ द फ्यूचर बट हाइड्रोजन आज इसमें देखिए एज ए लिक्विड इट नीडेड ऑफ कैरोजेनिक टेम्परेचर ऑफ अराउंड देखिए -250 डिग्री सेल्सियस चाहिए उसको। देखिए एज ए गैस इफ तो ये नीड किस लिए है, टू बी स्टोर इन द हाई प्रेशर इन द एयर इज एक्सप्लोसिव। देखिए एमोनिया जो है ऑन द अदर हैंड इज ए थिक एंड ऑल प्रोसेस इज इजीली स्टोर एज लिक्विड, इसको इजीली स्टोर भी कर सकते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। देखिए रिक्वायर्ड ऑफ अबाउट हाफ ऑफ द एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल, ऑल्दो एमोनिया इज टॉक्सिक। देखिए टॉक्सिक है याद रखना आपको, ये जो MCQ आएगा तो आप ऑब्जेक्टिव बेस में MCQ में आपको ये नॉन टॉक्सिक बल्कि आप एक ऑप्शन दे देगा, तो आपको याद रखना ये टॉक्सिक है। द वर्ल्ड ऑलरेडी हैज द वास्ट सिस्टम ऑफ मेकिंग स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग इट, जिसको अभी ऑलरेडी ये एजिस्ट कर रहा है। चलिए जाते जाते क्वेश्चन भी कर लेते हैं, आप जो भी आंसर है आपको क्वेश्चन दे दीजिएगा। व्हाट इज द आईएसओ स्टेटस ऑफ लिगिंग हो। देखिए इसका स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है, क्रिटिकल डेंजर है एंड डेंजर है एंड लिस्ट कंसर्न है। तो जो भी आपका राइट आंसर है तो क्वेश्चन दे दीजिएगा, तो राइट आंसर को मैं हार्ड दे दूंगा तो आप पहुंच जाएगा किसका राइट आंसर है।